तो गाइस यहाँ पे ये आ गए केशव भाई से। हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 बजने को 2 मिनट है। तो हम घर से अभी निकल आए हैं पैदल ही, क्योंकि बस वगैरह तो अभी लेट आएगी, 8:30 बजे आएगी। तो कटिंग वगैरह भी करवानी है, तो इसलिए हम जल्दी आ गए हैं थोड़ा घर से। बाल भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, अभी पैदल ही जा रहे हैं हम। रोक मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, थोड़ा घर से थोड़ा आगे आ गया था यहाँ पे हेलीपैड साइट। पैदल ही जा रहे हैं, अभी लिफ्ट वगैरह देखते हैं, अगर आएगी कोई तो उसमें चले जाएंगे, नहीं तो पैदल ही। अभी बहुत टाइम है, अभी स्कूल लगने को 1 घंटा है पूरा। तो अभी मेरे साथ ये भी है ताऊ का लड़का, तो पैदल ही जा रहे हैं। यहाँ पे सुबह सुबह पूरा रोड खाली है, कोई नहीं है सुबह सुबह। तो वैसे ये व्लॉग मैं बहुत दिन बाद डाल रहा हूँ, क्योंकि थोड़े दिन 10-15 दिन बीमार था, तो इसलिए व्लॉग शूट कर नहीं पाया। तो आज 10 दिन बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो स्कूल वगैरह है ना, तो फिर कुछ होता नहीं दिन में, कुछ सिर्फ सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आके घर में रेस्ट वगैरह करते हैं, बस यही है। तो इसलिए ज़्यादा है नहीं कुछ। तो अब मैंने सोचा है कि डेली व्लॉगिंग करूँगा, जितना भी होगा उतना आपको दिखाऊंगा। तो आज से डेली व्लॉग आएंगे, जितना भी होगा पूरे दिन में, जितना भी, बेशक 1 मिनट का बनेगा, 2 मिनट का, पर अब से डेली बनाऊंगा व्लॉग। क्योंकि थोड़े दिन डालता हूँ, थोड़े दिन फिर बंद कर देता हूँ, तो ऐसे फिर चलेगा नहीं कुछ। तो जिम भी बंद कर दी है मैंने, क्योंकि बीमार था, तो फिर ऐसे जिम जाता भी नहीं था। तो अब जिम भी कंटिन्यू करेंगे, अभी देखते हैं 5-6 दिन बाद, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर जिम तो कहाँ ही जाएंगे। तो अब देखते हैं जिम वगैरह का भी। तो अभी हम यहाँ पे शनिदेव मंदिर के पास पहुँच गए हैं, ऊपर पहाड़। गाइस अभी इसने मोबाइल फेंक दिया नीचे और यहाँ से टूट गया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे के नीचे से, सुबह सुबह इसने नुकसान कर दिया। ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ था, ऐसे चला रहा था, कवर उतार रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, फ़ोन सीधा नीचे हाथ से। तभी पता नहीं कितने रुपए लगेंगे इसको बनाने में। बैग टूट, बैग शायद बैग क्लास टूटा है ना। यस बता, ये तो अभी कवर लगा दिया, नहीं तो यहाँ पे कैमरा भी थोड़ा टूट गया यहाँ से ऊपर से। तो अभी हम शनिदेव मंदिर के पास पहुँच गए हैं, ये रहा मंदिर। तो आज शनिवार है, तो अभी शाम को आएंगे हम यहाँ पे बाहर से ही आराम कर लेते हैं। अच्छा, 24 घंटे ये पानी चला हुआ होता है। ऐसे यहाँ पे ये जो नाला है ना, तो यहाँ पे जब पहले बारिश हुई थी 10-15 दिन पहले, तो यहाँ पे जितने भी आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये एक भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतना ज़्यादा पानी था यहाँ पे। बारिश बहुत ज़्यादा कंटिन्यू 10-15 दिन से बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे एक भी पत्थर दिखाई नहीं दे रहा था, तो बिल्कुल ही काम। तो गाइस आप लोग सोच रहे होगे कि ये मोबाइल स्कूल लेके जाता, तो मैं पहली बात मोबाइल स्कूल लेके नहीं जाता। यहाँ पे पापा की शॉप पे या फिर यहाँ पे जो भी हम कटिंग करवाएंगे ना साइंस स्टार, वहाँ पे मैं मोबाइल रख जाता हूँ, क्योंकि काम आ जाते, बारिश वगैरह होती है कभी, तो बस वगैरह नहीं आती, तो भाई वगैरह को कॉल करना पड़ता है, इसलिए मैं वहाँ पे रख देता हूँ मोबाइल। स्कूल में तो अलाउड नहीं है, स्कूल में एक बार लेके गया था मैं मोबाइल, तो वहाँ पे मोबाइल मेरा मैम ने ले लिया था, तो 4-5 दिन नहीं दिया था। तो अभी स्कूल के बाहर ही शॉप पे रख के जाता हूँ, तो अभी कटिंग करवाएंगे वहाँ पे रख देंगे मोबाइल, फिर 3 बजे फिर ले लेंगे। अभी हम घर से काफ़ी दूर पहुँच गए हैं, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ये हेलीपैड, और इसके यहाँ पे थोड़े से इस साइड है मेरा घर। तो अभी पहुँच गए हमें, टाइम 8:14 हो गए हैं, तो हम करवाते हैं कटिंग वगैरह, फिर देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये है पीछे जिम, आपने पहले वाले ब्लॉग में देखी होगी,
तो अभी करेंगे 10-15 दिन में, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो फिर करेंगे ज्वाइन। अभी बीच में छोड़ दी थी मैंने 10-15 दिन, तो उसके बाद गए नहीं क्योंकि फिर शोर शोर के भी उस हिसाब से नहीं चलेगा ना। तो अब सीधा 10-15 दिन बाद एग्ज़ाम बाद सीधा यहाँ पे जिम ज्वाइन कर लेंगे दोबारा से। तो यहाँ पे हॉस्पिटल के पास पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे हॉस्पिटल के आगे ये शॉप, तो वहाँ पे कटिंग वगैरह करवाते हैं फिर सीधा स्कूल जाएंगे। सुबह कटिंग वगैरह करवा के मैं सीधा स्कूल चला गया था, मोबाइल उधर सौरभ भाई की शॉप पे रख के। फिर अभी 3 बज गए हैं, तो अभी हम आ गए हैं स्कूल से यहाँ पे सीधा बस स्टैंड के नीचे श्याम भाई की शॉप पे। ये रही भाई की शॉप, तो यहाँ पे बैठे हैं हम। तो मैंने एक मोबाइल ऑर्डर किया था कैशिफाई से, तो वो अभी आ गया, तो बंदे ने कॉल किया था कि भाई आपका पार्सल आ गया, तो मैंने यहाँ पे यहीं पर बुला लिया है। तो अभी हम उनका वेट कर रहे हैं, फिर करते हैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग, फिर दिखाते हैं आपको कौन सा मोबाइल है। वैसे यहाँ पे ये आ गया हमारा न्यू मोबाइल, तो ये लेके आए हैं कैशिफाई से। तो अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है, तो अभी हम करते हैं इनको पेमेंट वगैरह। हम यहाँ से पेट्रोल पम्प से सीधा नीचे आ गए यहाँ पे स्कूटी के टायर में हवा भरवाने। अभी न्यू मोबाइल के कैमरा क्वालिटी चेक कर रहे हैं हम। मार्केट में बारिश हो रही थी और यहाँ पे जरा भी बारिश नहीं है, देख सकते हैं पता नहीं है। यहाँ पे धूप लगी हुई और मार्केट में बारिश लगी हुई थी, यहाँ पे रोड बिल्कुल ही सूखा है। तो भी हम मैं और आयुष भाई आ गए हैं घर के पास पहुँच गए हैं। अभी हम देते हैं भाई को मोबाइल, करना अभी हम यहाँ पे आए थे न्यू मोबाइल को कवर लगाने पर, यहाँ पे खास पसंद आया नहीं, तो अभी हम दूसरी शॉप पे जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं कवर वगैरह डलवा के घर, अभी पहुँचे हैं। तो दूसरी पहली वाली शॉप पे तो मिला नहीं, दूसरी वाली शॉप पे मिल गया था कवर, तो अभी एप्पल आईडी वगैरह बना रहे हैं। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ घर से, यहाँ पे आगे पानी लेने जा रहा हूँ, जो आपने पहले वाले ब्लॉग में भी देखा होगा थे कहाँ से पानी लाते हैं। तभी हम जा रहा हूँ मैं अकेला ही टहलता, क्योंकि काम भी नहीं है कुछ, फ्री हूँ मैं। अब एग्ज़ाम है, मंडे से एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अब कल संडे है, फिर परसों एग्ज़ाम है। अभी जा रहा हूँ मैं पानी लेने, उसके बाद इस ब्लॉग को मैं एंड कर दूँगा, क्योंकि बाकी तो है नहीं कुछ, बस अब घर जाके एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो गाइस आपने उस दिन देखा होगा कि इस नाले में कितना पानी चला हुआ था, अभी तो बिल्कुल सूख गया है थोड़ा ये पानी। उस दिन पूरा यहाँ पे पूरा नाला फुल था पानी से, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे डेली मौसम ख़राब होता है, ऐसे बादल वगैरह आते पर बारिश होती नहीं। दिन में भी आपने देखा होगा पहले
मार्केट में बारिश हो रही थी और यहाँ पे जरा भी बारिश नहीं हुई, पता नहीं क्या सीन है। अभी भी बादल आ गए हैं तो बारिश तो वैसे हो। तो गाइस अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रुकते हैं पानी पीने के लिए। यहाँ पे आते तो अपने घर के लिए भी ऐसे गाड़ी वाले भर के घर को लेके जाते हैं जो दूर से हैं, पास वाले तो यहाँ से भर लेते हैं। और तो गाइस पहले यहाँ पे 8 थे, अब 2 ही बचे हैं, ये भी थोड़े दिन में सूखने वाले हैं। फिर वहाँ पे सामने हेडपम्प से लेके जाएंगे पानी, अभी तो हैं 10-15 दिन यहाँ से भरेंगे। तो गाइस मैं पानी वगैरह लेके आ गया था, अभी किचन में रख दिया है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।